जय मां कामाख्या, रजस्विला का यानी मासिक धर्म का यानी एमसी पीरियड का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आप रजस्विला के नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपको सुख नहीं मिलेगा, समृद्धि नहीं आएगी, अशांति रहेगी और आप निरोगी नहीं रहोगे। भाग दो में देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। रजस्वला का अर्थ और रज स्त्रात हो क्या होता है, बहुत से व्यक्ति समझते नहीं रजस्वला क्या होता है। तो साधारण भाषा में मासिक धर्म का अर्थ स्त्री के शरीर से प्रति माह थोड़ा थोड़ा खराब खून बैक्टीरिया सहित कुछ दिन के लिए जननांग से बहता है, 3 या 4 दिन रहता है। यह विधाता की तरफ से नारी जाति को वरदान है कि ऐसा होने लगे तब वह मां बनने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। यह कार्य प्रक्रिया प्रत्येक घर में होती है जहां पर स्त्री होती है। रजो दर्शन, ये रजो दर्शन क्या होता है? रजो दर्शन को जीवन पुष्प के नाम से जाना जाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार मासिक धर्म में स्त्री जननांग से प्रथम स्तर पर जो तत्व निकलते हैं उन्हें अंग्रेजी में श्यो कहते हैं। मासिक धर्म में स्त्री के गुप्तांग से रक्त के साथ थोड़ा गाढ़ा म्यूकाइड निकलता है जो बैक्टीरिया युक्त होता है। इसके निकलने के साथ में बच्चादानी का मुंह खुल जाता है, उसमें संचित इकट्ठा खराब गंदा पदार्थ बाहर आकर बच्चादानी को स्वच्छ व भ्रूण स्थापना के अनुकूल बनाता है। आयुर्वेद शास्त्रों की माने तो रजो दर्शन के अंतराल में या मासिक धर्म के अंतराल में मैथुन करना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। इसका मूल कारण यह है कि स्त्री के शरीर से ऐसे तत्व जिनको म्यूकाइड कहते हैं बहुत घातक होते हैं, इनका स्राव होता है जो पुरुष के लिए अत्यंत घातक साबित होता है। प्राचीन काल में या सुसंस्कृत परिवारों में ऐसी स्त्री को रसोई में प्रवेश व किसी भी भद्र पुरुष या स्त्री से व आगंतुकों से दूर ही रहना पड़ता था, क्योंकि विभिन्न तरह के बैक्टीरिया निकलते हैं जिससे स्त्री के चारों तरफ का वातावरण दूषित हो जाता है। आजकल स्त्रियों में डिप्रेशन की बीमारी इसी वजह से हो रही है। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है, मैं पुनः बोल रहा हूं, आप ज्ञानवान है, बुद्धिवान है, भगवान ने आपको दिल दिया है, दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है, विवेक दिया है, आप सोचें। मासिक धर्म से युक्त स्त्री की मृत्यु और सूति का स्त्री के मरने पर हिंदू धर्म में क्या विधि विधान है? सूतिका स्त्री की मृत्यु प्रसव काल में या मासिक धर्म में रहते हुए होने पर ब्राह्मणों द्वारा घड़े में जल और पंचगव्य लाकर पुष्प पुण्य जनित मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसके शव को एवं स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ यहां पे है कि मैं जो बताने जा रहा हूं यह पूर्णतः धार्मिक चैनल है और हिंदू धर्म में हमारे यहां क्या रीति रिवाज है, शास्त्र क्या कहते हैं, चाहे आप इसका पालन करें या न करें, परंतु शास्त्र में जो लिखा है वो बात मैं कर रहा हूं कि यदि कोई स्त्री बच्चा जन्मते वक्त मर जाए या कोई स्त्री एमसी पीरियड रहते हुए यदि मर जाए तो उसका क्रियाकर्म कैसे करना चाहिए। तो सूती का स्त्री की मृत्यु प्रसव काल में या मासिक धर्म में रहते हुए होने पर ब्राह्मण द्वारा घड़े में जल और पंचगव्य लाकर पुण्य जनित मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसके शव को एवं स्वयं को शुद्ध करते हैं। उसके बाद कुएं से पानी लाना है घड़ों से और विधि पूर्वक शव को स्नान करा के पुनः पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए। फिर कपड़े से बनाई गई आकृति के साथ यथाविधि जला देना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि स्त्रियां मासिक धर्म में 4 दिन त्याग दी जाती है, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है
एक कहानी भी है जो हमारे शास्त्र में बताई गई है कि प्राचीन काल में इंद्र के द्वारा वक्त्रासुर राक्षस के मारे जाने पर लगी हुई ब्रह्म हत्या के पाप को इंद्र के शरीर से निकालकर एक चौथाई भाग स्त्रियों को दे दिया गया था। उसी के कारण स्त्रियां मासिक धर्म के आरंभ में चार दिन अपवित्र मानी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। जिनने शास्त्र नहीं पढ़े कृपया मेरा उनसे अनुरोध है कि वो शास्त्र को पढ़ें, और जब तक वह पाप उनके शरीर में विद्यमान रहता है वह अपवित्र मानी जाती है। स्त्री को मासिक धर्म के पहले दिन की स्त्री को शास्त्र में लिखा है चांडालिनी स्त्री कहते हैं, दूसरे दिन को ब्रह्मघातिनी स्त्री कहते हैं, और तीसरे दिन की स्त्री को रज की स्त्री मानते हैं, और चौथे दिन सिर धोने के बाद वह शुद्ध होती है। एक सप्ताह में वह देवता और पितरों के पूजन के योग्य हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ यहां पर यह है, शास्त्र यह कहता है कि प्रथम तीन दिन तक तो स्त्री को कोई भी काम नहीं करना चाहिए, घर के अंदर झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, बर्तन साफ नहीं करना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, पति को अपने हाथ से पानी जल भोजन कुछ भी नहीं देना चाहिए, इवन उसको प्रथम तीन दिन तक दान देने का भी अधिकार नहीं है, किसी को छूने का अधिकार नहीं है, और एक सप्ताह के बाद ही वह देवता का पूजन कर सकती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शास्त्र में यह वर्णित है, और इन नियमों का पालन नहीं करने पर आपको दुख अवश्य मिलेगा, व्यथा अवश्य मिलेगी, भय अवश्य मिलेगा, लज्जा आपको अवश्य मिलेगी, क्लेश मिलेगा और अपमान मिलेगा, और आप ऋणी भी हो सकते हैं। स्त्री को अपने मासिक धर्म के दौरान ऐसे रहना चाहिए जैसे कि घर में सूतक लग गया हो, ऐसे सनातन धर्म के नियमों में लिखा हुआ है। उसे अपने आप को अछूत स्त्री मानकर घर में एक तरफ बैठ जाना चाहिए। उस अशुद्धता के दौरान स्त्री को कौन बहुत से कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न वृद्ध व्यक्तियों से मेरे अनुसंधान के दौरान विचार विमर्श करने पर प्राप्त हुए हैं। मानना या नहीं मानना आपकी इच्छा है, मेरा धर्म था आपको इसका ज्ञान कराना। अब शास्त्र क्या बोलता है कि प्रथम तीन दिन तक विशेष तौर से अपने पति को चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। यदि स्त्री ऐसा करती है तो पति की उम्र कम होती है, ऐसा सनातन धर्म में लिखा हुआ है। पति एवं बड़े बच्चों 12 वर्ष से अधिक को पानी नहीं पिलाना चाहिए, खाना बनाकर नहीं खिलाना चाहिए, घर आए हुए मेहमानों को पानी नहीं पिलाना चाहिए, भोजन बनाकर नहीं देना चाहिए, अन्यथा महापाप के महाभागी बनते हो। स्त्री के मासिक धर्म के दौरान स्त्री इसलिए अछूत मानी जाती है क्योंकि उसके शरीर से मानवीय संरचना के अनुसार और चिकित्सकीय विज्ञान के अनुसार प्रत्येक माह खराब खून जिसको म्यूकाइड कहा जाता है निकलता है। उस खराब खून में कई प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं जो मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए मासिक धर्म के दौरान प्रथम चार दिन तक स्त्री को अछूत माना गया है। खून ऐसे भी अपवित्र होता है। सामान्य तौर पर जब हम पूजा से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो नहा धोकर स्वच्छ होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर पूर्ण रूप से शुद्ध होकर करते हैं, तो खराब खून जिसमें बैक्टीरिया होता है, जिसके शरीर से खून निकल रहा है, ऐसी स्त्री को शुद्ध कैसे माना जा सकता है? खून में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए हानिकारक भी होते हैं। प्रथम पांच दिन तक स्त्री को सजना संवरना नहीं चाहिए क्योंकि उसका सूतक काल रहता है। सूतक में सजना संवरना प्रतिबंध है। प्रथम तीन दिन तक आईने में यानी कांच के सामने नहीं जाना चाहिए। इस नियम के पीछे का रहस्य यह है
कि कांच में अदृश्य शक्ति के दिखने की संभावना अधिक होती थी, जिसके कारण उसको भय उत्पन्न हो सकता है और वह बीमार पड़ सकती है। प्रथम तीन दिन तक घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा चांडालिनी शक्ति, ब्रह्मघातिनी शक्ति, प्रेतनी शक्ति, राक्षसी प्रवृत्तियां वाली शक्ति स्त्री के शरीर के अंदर प्रवेश कर घर की शांति को भंग कर क्लेश उत्पन्न करती है। आज हम देखते हैं मासिक धम वाली स्त्री सर्विस करती है, साइंटिस्ट बन गई है, डॉक्टर बन गई है, इंजीनियर बन गई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई है, कंपनी सेक्रेटरी बन गई है, एमबीए बन गई है, बड़े बड़े बिजनेस संभाल रही है, बड़े बड़े प्लेन चला रही है, परंतु जो ऐसा कर्म कर रही है उनके दिल दिमाग से अंतरात्मा से पूछिए वो कितना सुखी है। सिर्फ पैसे कमाना ही सुखी नहीं होता है, पैसे से सुख नहीं आता है, जीवन में आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए। ऐसी अधिकांशतः स्त्रियां क्लेश रूप में जी रही है, उनके घर में क्लेश है, अशांति है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद पति उनको मारता है, पढ़ी लिखी और समझदार और कमाने के बावजूद महीने महीने क्या छह छह महीने चार चार महीने तक वो किसी अपने पति के साथ नहीं सोती है। अहम की भावना वहां पे बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, अहंकार की भावना ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी जो मैंने कहा चांडालिनी, ब्रह्मघातिनी, प्रेतनी, राक्षसी प्रवृत्ति उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से उन्हें क्रोध की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रह रहे हैं परंतु एक पलंग पे नहीं सोते हैं, उसका भी कारण ये ही है। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि कुल देवता कुल देवी आपकी रक्षा के लिए उस समय नहीं रहते हैं जब आप मासिक धर्म से रहती हो। बाहर निकलने वाली अधिकांश स्त्रियां, ये मेरा रिसर्च है, कि शादी नहीं करती है, और करती है तो बहुत देरी से शादी करती है, और शादी हो जाती है तो सफल विवाह नहीं होता है, और या फिर बच्चे उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं परंतु बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए मासिक धर्म के जो नियम बताए गए हैं शास्त्र में उनका पालन करें, हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, इनको पालन करोगे तो आपको घर में क्लेश नहीं होगा, अशांति नहीं होगी और मानसिक विकार उत्पन्न नहीं होंगे, घर के अंदर सुख मिलेगा, समृद्धि आएगी, शांति आएगी, आप आनंद में रहेंगे और आपको बीमारियां नहीं होगी। विवाह करने के बाद पति पत्नी के मध्य शारीरिक संबंध बहुत आनंदमय तरीके से बनते हैं यदि आप इन नियमों का पालन करते हो तो, और यदि इन नियमों का पालन नहीं करते हैं एमसी पीरियड के तो निश्चित तौर से आपके यहां पर अशांति अवश्य होगी। आप जिंदगी जी रहे हैं परंतु जिंदगी को ढो रहे हैं, एक जिंदगी चल रही है मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है, उसमें किसी प्रकार का आनंद नहीं है। आप चरित्रहीन भी बन सकते हैं, भगवान तो आपसे कोसों दूर रहेगा उस अवस्था में। इसलिए यदि आप परमानंद चाहते हो, भगवान का सानिध्य चाहते हो, तो आपको इन नियमों का पालन करना अवश्य होगा। जय माता दी, जय मां का मख्या।